हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आपका भाई फिर से स्वागत करता है गाइस। आपको पिछले ब्लॉग में देखने को मिला होगा बॉम्बे का फिल्म स्टार का घर, क्योंकि गाइस मैं पिछले दिनों बॉम्बे गया था तो वहां मैंने शूट किया फिल्म स्टार का और आपको दिखाया। आई होप ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ विशाखापट्टनम के एक नए पार्क में आपको दिखाने के लिए। तो गाइस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ब्लॉग आप लोग देखते होंगे तो उसमें जो भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसमें काफ़ी खर्चा होता है गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप खर्चा में सहयोग ना करें, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए गाइस, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर वीडियो पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे आप ब्लॉग देख सकें। तो गाइस आपका भाई फिर से आ गया विशाखापट्टनम के लॉसंस बे बीच पार्क में, जो कि विशाखापट्टनम का काफ़ी फेमस पार्क है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एंट्रेंस, आपको इसके चारों तरफ का व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। सो गाइस हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो एंट्रेंस बना हुआ है। इसमें एक खासियत यही है कि यहाँ जो पार्क है और भी जितने भी पार्क मैंने बनाए उसमें मिनिमम ₹10 पैड करना पड़ा था, लेकिन ये मेरा पहला जो पार्क देखने को मिला विशाखापट्टनम में जिसमें ₹1 पैड नहीं करना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ आकर के घूम सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू यहाँ पे बना हुआ है, कुछ बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए बना हुआ प्लेट्स इधर आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का व्यू है। और इस साइड आप देख सकते हैं बच्चे लोगों के लिए, काफ़ी छोटे बच्चे के लिए स्केटिंग करने के लिए भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप का व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस साइड भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का मछली यहाँ पे बना हुआ है गाइस, और मछली में ही कुछ प्लांटेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो इस पार्क में और भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए और भी आपको हम दिखाते हैं गाइस। और गाइस यहीं पे लॉसंस बे बीच पार्क, इसका नाम है लॉसंस बे बीच पार्क, यहीं पर है गाइस समुद्र। तो गाइस इसी के पीछे है, तो चलिए वहीं चलते हैं। और इसके आप बगल का व्यू भी आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलेगा। मतलब छोटा सा पार्क यहाँ पर बना हुआ है और बच्चे के लिए एरोप्लेन भी है, तो चलिए वहीं चलते हैं गाइस। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं लॉसंस बे बीच पार्क, जहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मेरे पीछे मिल रहा होगा। तो कुछ इस टाइप का प्लेन है जो कि बच्चे को लिए, मतलब इसमें बच्चे चढ़ेंगे। उस साइड से देखिए सीढ़ी बना हुआ है, मतलब उधर से चढ़ने के लिए गाइस, और स्केटिंग है, मतलब उधर से चढ़ेंगे और उधर स्लीपरी है, मतलब स्लीपरी बना हुआ है, इधर से भी स्लीप कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का व्यू देखने को यहाँ मिल रहा है पार्क में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कुछ और नया इसके अंदर में। और गाइस हमारे पीछे आपको प्लेन देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्लेन बना हुआ है बच्चे के लिए। और एक छोटा सा और जो प्ले है ग्राउंड कुछ इस टाइप का बना हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है बच्चे को खेलने के लिए, कुछ इस टाइप का बना हुआ है, स्केटिंग वहाँ भी है गाइस। तो कुछ ओवरऑल व्यू कुछ अच्छा लग रहा है इस पार्क का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नया यहाँ देखने को मिल जाए गाइस। सो गाइस इधर भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एनवायरमेंट यहाँ पर बना हुआ, तो काफ़ी बड़े एरिया में पार्क नहीं है लॉसंस बे बीच पार्क। बीच पार्क मतलब कि बीच के किनारे बसा हुआ है, इस कारण से इसका नाम बीच पार्क रखा गया है। तो कुछ इस टाइप का मतलब कि यहाँ पे लास्ट होता है, और जहाँ पे मैं एंट्री किया था वहाँ पे, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लास्ट है। और आप देख सकते हैं वहाँ जो गेट है आपको दिख रहा होगा, वो जो लास्ट गेट है वहाँ तक पार्क है गाइस। तो ओवरऑल व्यू कुछ इस टाइप का इसका पार्क का है गाइस, और कोई खर्चा नहीं है, बच्चे लोग यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं गाइस। कुछ इस टाइप का भी है। और जो लॉसंस बे बीच पार्क है, मतलब बीच पार्क बीच के किनारे बसा हुआ, इसका नाम बीच पार्क रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बीच बना हुआ है, आप देख सकते हैं विशाल समुद्र है। चलिए नज़दीक चलते हैं आपको दिखाते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ बीच के पास। आप कुछ देख सकते हैं इस टाइप का बीच यहाँ भी देखने को मिल रहा है, मतलब विशाखापट्टनम लास्ट छोर पे बसा हुआ है, उसके लास्ट में आपको बीच देखने को मिलता है। तो लॉसंस बे बीच पार्क जिसका नाम है वो समुद्र किनारे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समुद्र है और आपको इधर लॉसंस बे बीच पार्क देखने को मिलेगा। तो कुछ इस टाइप का व्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी नाव इधर लगे हुए हैं गाइस, मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसके चारों तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी नाव है, मतलब फिशर नाव है, इधर मछली पकड़ने वाले मछुआरे लोग नाव लेके चला करते हैं गाइस। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी नाव आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे समुद्र में काफ़ी नाव जो फिशर लोग होते हैं मछली पकड़ने वाले लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी नाव लेके चल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। और इस साइड भी देख सकते हैं
काफ़ी नाव यहाँ पे लगी हुई है गाइस, काफ़ी दूर बना हुआ है तो कुछ चारों तरफ का व्यू इस टाइप का देखने को यहाँ मिल रहा है गाइस। गाइस समुद्र के किनारे जैसे लाश हो रहे हैं तो कैलाशगिरी भी आपको सामने दिखेगा, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा पहाड़, उसी का नाम है कैलाशगिरी। तो चलिए गाइस फिर से चलते हैं अंदर में और देखते हैं कुछ और नया पार्क में मिल जाए आपको दिखाने के लिए गाइस। गाइस आप देख सकते हैं इस साइड है बीच, क्योंकि लासंस बे बीच पास इसका नाम ही है और पार्क ये है जैसे मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का रोड बना हुआ है और इस साइड है बीच, तो इसका नाम ही है लासंस बे बीच पार्क, समुद्र के किनारे बना हुआ है इस कारण से इसका नाम पड़ा है गाइस। तो कुछ इस टाइप का व्यू इस साइड देखने को मिल रहा है, मतलब ये रोड बना हुआ है इस सराउंडिंग में चारों तरफ और इसी के बीच में बना है पार्क, इस कारण से इसका नाम लासंस बे बीच पार्क रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांति है यहाँ पे और काफ़ी हरियाली भी है गाइस। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चार्ज नहीं देना है, तो मतलब ये रोड है गाइस, आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ का व्यू इस टाइप का, इसके चारों तरफ का कुछ इस टाइप का रोड बना हुआ है चारों तरफ से, तो घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है और बैठने के लिए आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है जो कि लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं गाइस। तो ओवरऑल व्यू यही है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ अलग देखने को यहाँ पे मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे काफ़ी ग्रीनिश है और एक रुपया खर्चा नहीं है गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि चार्ज नहीं देना है यहाँ पर, अदर जितने भी पार्क मैंने घूमे वहाँ पर सभी में कुछ ना कुछ चार्ज देना है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं और इस साइड ही समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल व्यू यही है, काफ़ी बड़ा पार्क नहीं है, देखने को ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है लेकिन काफ़ी शांति है यहाँ पे। जैसे विशाखापट्टनम आप जानते हो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है काफ़ी शांति है। और छोटा सा जैसे वहाँ से इंटर है, वहाँ से जैसे एंट्रेंस है और आने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो कुछ अच्छा हरियाली और शांति है गाइस। तो मैंने सोचा कि कुछ जैसे विशाखापट्टनम में जब तक हूँ तब तक कुछ अलग अलग आपको प्लेस दिखाऊं, आप लोग घर बैठे अलग अलग प्लेस आप देख सको और इन्जॉय कर सको, क्योंकि अगर आप वहाँ से आओगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है गाइस कहीं भी जाने के बाद। तो आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से घर बैठे हर एक विशाखापट्टनम का चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, हर एक प्लेस को आप घर बैठे देख सके। तो गाइस ओवरऑल व्यू यही है विशाखापट्टनम का, जो लासंस बे बीच पार्क था ओवरऑल व्यू यही है, एक मेन एंट्रेंस है, एक रुपये खर्चा नहीं देना है। तो आई होप आज का ब्लॉग में आपको कम्प्लीट लासंस बे बीच पार्क देखने को मिला होगा, कोई पैसा नहीं देना है। आप लोग भी अगर विशाखापट्टनम आते हो तो कैलाशगिरी के जस्ट बगल में ही रोड पे ही बना है लासंस बे बीच पार्क, तो आप बिना पैसा दिए घूम सकते हो। सो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैंने दिखाया जो लासंस बे बीच पार्क था उसको आपको दिखाया और इसके बगल में जो बीच बना था, जो समुद्र था, वो भी आपको देखने को मिला। तो गाइस आई होप ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे अच्छे ब्लॉग घर बैठे आप देख सके। गाइस लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता और सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगता, जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस।